गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो होने वाली है रोस्टिंग वीडियो। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा फनी भी होने वाली है और एंटरटेनिंग भी होने वाली है। और आज जिसको हम रोस्ट करेंगे उसका नाम है देवांग और उसके चैनल का नाम है देवांग्स लाइफस्टाइल। दुख की बात है कि मेरे सब्सक्राइबर उससे कम है। उसके 2000 सब्सक्राइबर्स हैं, मेरा 369 सब्सक्राइबर्स है। कोई बात नहीं, आप सब्सक्राइब कर दो और मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़वा दो। लेकिन उसके लिए दुख की खबर ये है कि उसके 2000 सब्सक्राइबर्स यानी कि मेरे सब्सक्राइबर्स से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होने के बावजूद भी उसके व्यूज़ 20,000 ही है और मेरे सब्सक्राइबर्स कम होने के बावजूद भी मेरे ज़्यादा है 96,000 व्यूज़। अब सोचो भाई, जिसके 20,000 व्यूज़ आ रहे हैं इतने सारे सब्सक्राइबर्स होने के नाम पर भी मुझे तो शक है कि वो अपने रिश्तेदारों से ही तो बाबा वीडियो दिखवा के व्यूज़ तो नहीं बढ़वा रहा। क्योंकि इतने सारे सब्सक्राइबर्स हों और कोई इतने कम व्यूज़ होए, इम्पॉसिबल। वेल, इस बात को छोड़ते हैं। मैं आपको बता दूं कि हम फर्स्ट क्लास से अभी फोर्थ क्लास तक साथ में हैं, मतलब अभी मैं फिफ्थ में आ गया हूँ। उसने TC ले ली है स्कूल से, क्योंकि वो राजस्थान का है तो राजस्थान वो शिफ्ट हो चुका है। वेल, ये मेरे लिए अच्छी बात ही है। क्यों, बताता हूँ। वो मेरे से बहुत ही ज़्यादा रूडली बात करता था और मेरे से ही नहीं, मेरी क्लास के स्टूडेंट्स से, मेरे फ्रेंड्स से, सबसे रूडली बात करता था। और ये कॉमन चीज़ है क्योंकि हम देखते आ रहे हैं वो फर्स्ट क्लास से हमारे साथ है, तो उसका बिहेवियर इट्स कॉमन। क्यों, बताता हूँ। वो तो फर्स्ट में तो खैर मॉनिटर नहीं था, सेकेंड में बनता भी कैसे, ऑनलाइन क्लास थी। थर्ड में भी नहीं बन पाया, ऑनलाइन क्लास थी, चलो अच्छा है मॉनिटर तो नहीं बना कोई। लेकिन फोर्थ क्लास में गलती से मैम ने उसको मॉनिटर बना दिया और ये साल की सबसे बड़ी गलती थी। और हम सबके माइंड में चल रहा था ये देवांग क्या करेगा। हमने तो कई बार उससे ये भी कहा, पढ़ाई वढ़ाई करो, IAS YAS बनो और देश को संभालो, हमें मत संभालो। लेकिन नहीं, उसको तो अपनी बात माननी नहीं थी। और जब भी हम उससे कुछ बात पूछते, जैसे कि अगर हम उसको बुलाते भी, देवांग कम है, तो वो बोलता कि तुम क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो और तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। और मेरा नाम वो ब्लैक बोर्ड पे, मेरा ही नाम नहीं सबका नाम, जो भी उससे बात करता उसका नाम लिख देता। एक तो होता है कि एक बार लिख दिया, दो बार लिख दिया, तीन बार लिख दिया, लेकिन नहीं, वो सीधा फाइव बार लिख देता था। जैसे कि मेरे फ्रेंड का नाम हर्षित-5। और यही नहीं, वो किसी को भी गुड के नाम में नहीं छोड़ता था। मैम ने एक रूल बना रखा था कि अगर कोई ब्लैक बोर्ड पे नाम लिखेगा तो उसको बैड स्टूडेंट्स भी लिखने पड़ेंगे और गुड स्टूडेंट्स भी लिखने पड़ेंगे। लेकिन नहीं, उसने तो ये एक रूल समझा ही नहीं, मैम की बात को इग्नोर करा। अब हुआ क्या, वो किसी का भी गुड में नाम नहीं लिखता। हमारी क्लास में क्या होता है ना, फर्स्ट क्लास से ही गर्ल्स भी मॉनिटर बनती है और बॉयज़ भी मॉनिटर बनते हैं, मतलब सबके स्कूल में होता होगा यार। लेकिन मज़े की बात तो ये है कि देवांग, मतलब मेरे फ्रेंड को कोई भी अच्छा नहीं लगता था, मतलब गुड में, मतलब उसको कुछ भी गुड में नहीं लिखता था कि हाँ भाई ये बंदा है, सही है, इससे इसका नाम गुड में लिखा जाए। नो, हमारी क्लास में जो गर्ल्स मॉनिटर थी अनुश्री, उसका नाम अनुश्री था, अनुश्री पांडे, तो हैट्स ऑफ टू अनुश्री, बिकॉज वो गुड स्टूडेंट्स को भी नाम लिखती और बैड स्टूडेंट्स का भी नाम लिखती। और एक बात बता दूँ, गुड स्टूडेंट्स, हम जो अगर मान लो हम भी कहते हैं ना कि भाई ये बंदा चुप बैठा है, इसका नाम लिख दो गुड्स में, वो लिख देती यार, सीरियसली वो लिखती। वो हम पे
विश्वास करती, हम पे ट्रस्ट करती और नाम लिख देती गुड में। और अगर कोई बंदा ये कहता है कि भाई हाँ इसका नाम बैड में लिखो, तो वो क्या करती थी, जिसका नाम मान लो कि मैंने अपने दोस्त को कहा, अनुश्री से कहा कि ये भैया ये बंदा बात कर रहा है, तो मैं जिसके बारे में बोलता हूँ कि ये बंदा बात कर रहा है इसका नाम लिखो, उस बंदे से जाके वो बोलती थी कि ना तो मैं जिसका भी नाम बोलता है फिर कोई किसी का बैड में नाम लिखने के लिए कहता, तो अनुश्री उस बंदे को एक चांस देती कि अपने आप को सुधार लो। मतलब वो सीधा नहीं लिख देता कि भाई बैड स्टूडेंट्स को लिख दो, वो पहले एक चांस देती और फिर नाम लिखती। लेकिन नहीं, देवांग को तो कुछ सहना ही नहीं है, मॉनिटर बन गया तो पहले फर्स्ट क्लास में वो फिर भी इतना रूडली बात नहीं करता था, लेकिन जब वो फोर्थ में मॉनिटर बना दिया मैम ने उसको, तो वो बहुत ज़्यादा रूडली बात करने लगा। रूडली क्या, एटीट्यूड में आ गया, एटीट्यूड ओवरलोड। अब उसमें भर भर के एटीट्यूड आ गया। अब सब जो भी उसके दोस्त थे ना फर्स्ट क्लास से, वो उसे धीरे धीरे दोस्ती कम करने लगे। मतलब दोस्त थे लेकिन बात कम करने लगे, क्यों, बिकॉज हिज बिहेवियर। फोर्थ में तो उसका एक बेस्ट फ्रेंड था देवांग का, अर्नब सिंह नाम है उसका, वो भी अच्छा था, वो भी अच्छे से बात करता था, सबका फ्रेंड था वो। अर्नब, देवांग और अर्नब अच्छे से बात करते, एक देवा अर्नब भी था जिससे देवांग अच्छे से बात करता। और मान लो ब्लैक बोर्ड पे किसी से नाम लिखवाना है तो उसको तो एक ही नाम मिलता था, अर्नब सिंह। क्यों, क्योंकि वो उसका फ्रेंड था, और फ्रेंड नहीं बेस्ट फ्रेंड से भी बढ़कर था। अब सोचो जो कि बस अपने एक 42 स्टूडेंट्स थे हमारी क्लास में, लेकिन उसको बस एक ही बंदा दिखता, अर्नव। बाकी 41 स्टूडेंट्स दोस्ती तोड़े ना तोड़े कुछ भी करें, उससे कुछ मतलब ही नहीं था। और मैम ने भी उसे एटलीस्ट 4 से 5 times समझाया कि देवांग अपने आप को थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो स्टडी पे। स्टडी वो छोड़ गया था, मतलब जैसे मान लो आज एग्ज़ाम है तो मतलब हमें एक टाइम मिलता था, तो उस टाइम में वो पढ़ने की जगह मॉनिटरी करता था। हम बोलते थे कि तू एक काम कर, मॉनिटरी करनी है तुझे तो कर, कोई मना नहीं है, तू कॉपी ले ले, कॉपी में पढ़ते पढ़ते मॉनिटरी कर, कान तो तेरे खुले ही रहेंगे ना पढ़ाई करते वक्त भी। लेकिन नहीं, ऐसे पढ़ाई होती ही नहीं है, वो तो ऐसे बोलता था। एक दिन को मैम ने मुझे मॉनिटर बनाया, और फिर अगले दिन जब, क्योंकि वो एब्सेंट था देवांग, और जब अगले दिन देवांग आया तो सारे बच्चे बोले थे उससे, मेरे फ्रेंड्स और बाकी बच्चे, कि विश्वा ने अच्छी मॉनिटरी करी। क्यों, क्योंकि मैं एटीट्यूड में भी नहीं था, नाम सोच समझ के लिखता था। वेल, अब कौन ही समझाए देवांग को, देवांग बस उसको मैं ही दिखता था। अब थोड़े एक आध महीने तक तो मैं मतलब क्या था, मतलब मैं उसको मना भी करता था कि यार नाम मत ले, मैं रिक्वेस्ट करता हाथ जोड़ के कि एक बार एक चांस दे दे, बातें करता था मैं। तो अब देवांग मानता ही नहीं था, लेकिन एक दो महीने के बाद ना मैंने सोच लिया था अब इसको सहेंगे, जितना हो सके उतना सहेंगे। हमने उसको सहा, और जितना सहा गया उतना सहा। और जब भी वो नाम लिखता ना, मैं बोलता तू 1 billion बार लिख, 1 trillion बार लिख, 1 million बार लिख, जितनी बार लिखना है तू लिख, कुछ फ़ायदा नहीं है। और एक बार तो मेरा दोस्त हर्षित था, उसने आई थिंक 7 o'clock रात के 7 बजे फ़ोन करा था मुझे कि विश्व एक प्लान बनाना है। मैंने बोला क्या प्लान बनाया भाई बता, मुझे प्लान बनाना बहुत अच्छा लगता है। उसने बोला कि उसको भी देवांग से मतलब चिढ़ थी, क्योंकि वो एटीट्यूड में रहता था। तो मेरे दोस्त हर्षित ने बोला कि भाई, वो पास में ही रहते हैं मेरे, उसे बोला कि भाई प्लान बनाना है देवांग के बारे में, देवांग की मैम से कंप्लेन करनी है। तो ना जो भी हमारे दोस्त थे, जो भी देवांग से चिढ़ते थे,
तो उनके साथ हमने कांटेक्ट करा और एक टीम बना ली। और फिर हम सब दोस्त ने ना मैम से कंप्लेन करी, मैम देवांग ऐसे ऐसे करता है, ये सब है वो सब है। और ये जैसे आप सोच रहे हैं कि मैम ने कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया होगा, लिया था, स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया था, मतलब हमारी मैम बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। तो मैम ने कुछ नहीं करा, बस उसको एक चांस दे दिया, वरना फिर मैम ने उसको एक चांस भी दी। वेल, उसके बारे में जितना कहो उतना कम है। अब तो देवांग दूर चला गया हमसे, लेकिन उसने अब भी नहीं छोड़ा, उसने मेरे बारे में भी रोस्ट वीडियो बनाया ही थी। वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, मिलते हैं ऐसी रोस्टिंग वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।